राइट नाउ आई एम इन अमृतसर और आज ना मैं जा रहा हूँ अमृतसर का जो इंस्टाग्राम पे बहुत ही वायरल फूड है ना उसको ट्राई करने के लिए। जो मेरा भराग होगा होगा बाबा क्या की कहोगे वधिया जा जो मेरा भराग होगा नहीं तुसी की कहोगे ले आओ रूह खाओ फिर। सो ये अपना ना गिलास रेडी हो चुका है और इसके अंदर ना काफी सारे वाले इन्ग्रीडियंट डले हुए हैं। काजू है, बादाम है, किशमिश है। ये ऐसा कुलचा है जो आपने कभी भी कहीं पर भी खाया नहीं होगा, पक्की बात है मेरी। और अब आ गया कॉर्न भी। ओ भाई मेरे, इतना कुछ जलेगा इस सिंगल पैटी कुलचा के ऊपर जो बनने जा रहा है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैटी कुलचा। बाकी मैंने ना इंस्टाग्राम पे जो इनकी वीडियोस देखी थी ना उसके अंदर तो ना ये बहुत ज़्यादा भर भर के प्लेट में डाल के देते हैं, बट एक्चुअल में ना बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी है यार। और लोगों का दिल जीत रहे हैं न्यूट्री कुलचा खिला खिला के। यार मैं ना यहाँ से निकल रहा था और मेरे निकलते निकलते नज़र पड़ी इस पनीर के पीसेस के ऊपर, आनंद ही आनंद है। मतलब इसके अंदर ना आनंद की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। जो इसको खाएगा ना वो एक ही बात बोलेगा कि दमन पाजी आप कमाल हो, आनंद आ गया इसको खा के। वाला जूस पी के ना भाई सच्ची में तन तन हो गया है, मेरे पेट के अंदर ना इतनी सी भी जगह नहीं है। तो चलते हैं क्योंकि मैं भैया बहुत एक्साइटेड हूँ, भूख लग रही है और ट्राई करते हैं अमृतसर की सारी वायरल फूड वाली चीजें जो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है। सो मैं इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चले चलो। बाकी एक बार आपका वेलकम कर देते हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, की हाल चाल, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज आपको ना अमृतसर के अंदर मैं कैसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ पर ना बनता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और बढ़िया वाला पैटी कुलचा, जिसकी ना देखो तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और अभी ना स्लोली स्लोली करते हुए ना इसके ऊपर इतना सारा सामान डाला जाएगा, इतना कुछ होगा कि आप भी देख देख के ना हैरान रह जाओगे। ये ऐसा कुलचा है जो आपने कभी भी कहीं पर भी खाया नहीं होगा, पक्की बात है मेरी। अब इसके ऊपर बारिश हो गई है कस्तूरी मेथी की, अब बारी आ गई है गाजरों की। देखो गाजरों को अच्छे तरीके से ना काट के रखा हुआ है। और ये आ गई हरी मिर्चें बहुत सारी वाली, भाई ये पूरे पैटी कुलचा के ऊपर हरी मिर्चें डाल दी जाएंगी। और ये आ गई अदरक और ये आ गई बीट रूट, भाई साहब चेक कर रहे हो। और अब बारी आ गई है खूब सारे प्याज की, खूब सारा प्याज डाल दिया है। और अब बारिश हो गई है खूब सारे मटर की। और अब आ गया कॉर्न भी। ओ भाई मेरे, इतना कुछ जलेगा इस सिंगल पैटी कुलचा के ऊपर जो बनने जा रहा है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैटी कुलचा, भाई चेक कर रहे हो। और ये आ गया इसके ऊपर खूब सारे अलग अलग तरीके के मसाले, कस्तूरी मेथी, जीरा, अजवाइन, अनारदाना और काली मिर्च। अरे वाह भाई चेक कर रहे हो कितनी सारी चीज़ें आ गई इसके ऊपर। और अब इसके ऊपर डल रही है ब्रेड क्रम्ब। ओ भाई कितना कुछ जल गया है सिंगल पैटी कुलचा के ऊपर। अब इसको ना अच्छे से शफल कर दिया जाएगा बढ़िया तरीके से। ये देख रहे हो यार कितनी सारी चीज़ें, और इसका ना क्या फ्लेवर आएगा, एक बारी जो बंदा इसको खा लेगा ना भाई वो इसका पक्का दीवाना हो जाएगा, पक्की बात है भाई, ज़बरदस्त। ओए होए 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 होए। बाकी देखो अभी ये शुरू हो गया इसका पेड़ा बनना, पेड़े के अंदर आलू की फिलिंग भी डल गई है और ये जो ना वेजिटेबल्स का मिक्सचर बना के रखा था ना उसकी भी फिलिंग डल गई है। और इस तरीके से ना पेड़े बनेंगे, वेजिटेबल्स और मसालों का मिक्सचर विद आलू, और ये बन गई अपना पेड़ा। पेड़ा बनने के बाद अभी बनेगा पैटी कुलचा और उसके बाद फिर हम खाएंगे इसको पैटी कुलचे को और खा के बताते हैं आपको कि ये कैसा है। चेक कर रहे हो क्या सही तरीके से ना फिलिंग हो रही है यार इसकी, क्या मस्त वाली फिलिंग हो रही है भाई। इसको ना देख कर ही ना मुँह में पानी आ रहा है। जिस जिसके मुंह में पानी आ गया ना फटाफट से ना वीडियो को लाइक कर लो और इस जगह पे खाने आ जाना, राम कुलचा पॉइंट अमृतसर। दबा दब करके लगा हुआ है, फटाफट से बनाई जा रहा है क्योंकि ना यहाँ पर वेटिंग बहुत ज़्यादा वाली चल रही है और भाई का हाथ भी फुल स्पीड में चल रहा है, मज़ेदार वाला। चेक करो अपनी पैटी क्या मस्त तरीके से ना इसकी तो रंगत है, ऊपर से ये देसी क्यों है सारा, क्या बात है पूरा देसी क्यों ही देसी क्यों पह रहे हैं ऊपर अरे। अरे वाह जबरदस्त भाई जबरदस्त। और ये अपनी प्लेट आ गई है, इस प्लेट के अंदर ये देखो ये पैटी है, ये चटनी और प्याज है और साथ में छोले हैं। ये चटनी किस चीज़ की होती है? इमली, पुदीना, अनारदाना। ओके, और यार देखने में ना बहुत ज़्यादा यम यम लग रहा है, ऊपर से ना देसी घी की ना इन्होंने बारिश कर दी है, छोले की जो एक फ्रेगनेंस है ना वो भी एक अलग से आ रही है और साथ में ना पैटी की भी फ्रेगनेंस अलग से आ रही है। नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, नेक्स्ट लेवल की।
एक बार ना जरा चटनी भी ट्राई करते हैं कि चटनी कैसे की है। अनारदाना की चटनी है कह रहे हैं, प्याज और अनारदाना की चटनी है। चटनी का फ्लेवर भी बहुत नेक्स्ट लेवल है, ये पूरा फूड ना एक नेक्स्ट लेवल है भाई, मज़ेदार। मैं भी यहाँ पे खा रहा था, मेरे साथ ना मेरे दो वीर जी और खा रहे थे। वीर जी कितना लगा तुम्हें? बहुत स्वाद है यार, राम कुलचाला यू कैन वाउच फॉर। क्या बात है, इससे ना मेरे से ज़्यादा मज़े ना ये वाले वीर जी ले रहे थे। चलो ठीक है यार, इन्जॉय करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। सेकेंड मोस्ट फेमस आइटम ऑफ द अमृतसर इज न्यूट्री कुलचा। हाँ जी, तो अभी ना हम ट्राई करते हैं न्यूट्री कुलचा, वो भी अशोक कुमार जी का, जो बहुत ही टाइम से ना यहाँ पे काट लगा रहे हैं और लोगों का दिल जीत रहे हैं न्यूट्री कुलचा खिला खिला के। बाकी अशोक जी से मिलवा देते हैं आपको। सत श्री अकाल वीर जी, की हाल है जी? शुक्र शुक्र है मालिक। वीर जी तो मैं स्पेशली यहाँ पर आया हूँ इनके पास इनका न्यूट्री कुलचा ट्राई करने के लिए। तो ये अपनी प्लेट रेडी होकर आ गई है, जिसके अंदर मिली अपने को न्यूट्री, साथ में हरी वाली चटनी, मीठी चटनी, न्यूट्री कुलचा। न्यूट्री ये है, कुलचा ये है, और साथ में मिला प्याज। मैंने अपने लिए ना वैसे सिंगल ही लिया है, सो देट कि ना मैं ज़्यादा फूड की ना वेस्टेज ना करूं, क्योंकि मेरे को चीज़ें बहुत सारी वाली ट्राई करनी है ना, तो इसलिए मैंने सिंगल प्लेट ही ली है, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये यहाँ की ना बहुत ही फेमस और ऑथेंटिक डिश है, अशोक जी के न्यूट्री कुलचा। ये जो कुलचा जो है ना, कुलचा बहुत ही सॉफ्ट है, बिकॉज इसके ऊपर भी थोड़ा सा ना बटर लगाया हुआ है और न्यूट्री के अंदर भी बटर डाला हुआ है। वैसे भी जहाँ पंजाब की बातचीत हो ना, वहाँ पर बटर, मक्खन, मलाई, क्रीम, ये सब चीज़ें तो ना यार आपको हर चीज़ के अंदर मिलेंगी मिलेंगी। बाकी ये अपनी बाइट है, इस बाइट को ट्राई करते हैं, इन्जॉय करते हैं, देखते हैं, बताता हूँ फिर कैसा है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है। जो लोग बेसिकली वेजिटेरियन है ना, उनके लिए तो भैया ये प्रॉपर वाला, आपको ये नॉनवेज का फील, नॉनवेज का टेस्ट देने वाला है। बहुत बढ़िया है, वेजिटेरियन आइटम है, वेजिटेरियंस के लिए बहुत सही चीज़ है। यार मैं ना यहाँ से निकल रहा था और मेरे निकलते निकलते नज़र पड़ी इस पनीर के पीसेस के ऊपर, पनीर को देख कर मन कर गया। और पनीर का जो रेट है ना यहाँ पर, आप रेट सुनोगे ना तो इतने की ना हमारे वहाँ पर आलू की टिक्की भी नहीं मिलती है जितने का अपने को यहाँ पर पनीर का पकौड़ा मिलने वाला है। और यहाँ देखो अपने लिए ना पनीर का एक पकौड़ा रेडी हो जाएगा। फिर जी पनीर का पीस देना है, किन्ने देगा पीस फिर जी? 20 रुपये का, सिर्फ 20 रुपये का। साढ़े उतने ना 20 रुपये की आलू की टिक्की भी नहीं मिलती है। और यहाँ पर ना अपने को ये आलू वाला ये जो पीस है ये भी 20 रुपये का मिलने वाला है, और पनीर का पीस भी 20 रुपये का ही मिलेगा। तो खाते हैं यार, पनीर देख के वैसे भी मेरे से कंट्रोल होता नहीं है, मैं क्या करूँ। मैं यहाँ से निकल रहा था, पनीर देखा, मुँह में लालच आ गया और इस लालच ने ना मेरे को यहाँ पर रोक दिया। ये जो अपनी प्लेट है ना, इसके अंदर 20 रुपये पनीर के पकोड़े का रेट है और 20 रुपये आलू की टिक्की दिल वाली इसका रेट है। तो यार यहाँ पे मेरे को दिल वाली टिक्की मिल रही थी, पनीर का पकोड़ा मिल रहा था, जिसकी देख रहे हो लेयर देख रहे हो, बिल्कुल पतली सी लेयर है, ना के बराबर की लेयर है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, बेसन की लेयर बहुत मोटी होती है और अंदर पनीर का पीस ना के बराबर का होता है, बट यहाँ पर आप चेक करो पतली सी लेयर है और अंदर पूरा पनीर ही पनीर है भाई। अपने लिए प्रोटीन ही प्रोटीन है। हाँ जी, बाकी अब आपको दिखाता हूँ ये दिल वाली आलू की टिक्की, जिसके अंदर भैया आलू की फिलिंग भी ना रज गए हैं और बाहर की जो लेयर है ना वो बिल्कुल पतली सी लेयर है। ये देख रहे हो क्या सही है, गर्मा गर्म है। साथ में ना ये जो मिंट वाली चटनी है, मीठी चटनी है, इन दोनों के साथ मिक्स करके इसका क्या फ्लेवर बन रहा है यार। मतलब सीरियसली जो मतलब मैं आपको ना बता नहीं पा रहा हूँ वीडियो के अंदर कि इसका क्या फ्लेवर बन रहा है, बट जो इसको खाएगा ना वो एक ही बात बोलेगा कि दमन पाजी आप कमा लो, आनंद आ गया इसको खा के। बहुत सही है, बहुत सही, मज़ेदार करते। बहुत ही ठंडा ठंडा है और सर्दियों में यार ऐसी चीज़ें हम खाएं ना तो एक नेक्स्ट लेवल का मज़ा आ जाता है भाई। टेस्ट में बहुत बढ़िया है, टेस्ट में बिल्कुल प्योर है, फील आ रहा है कि भैया मैं पंजाब में आके कुछ खा रहा हूँ, बढ़िया वाला प्योर वाला खा रहा हूँ बेसिकली। बहुत सही है। बाकी मैंने ना इंस्टाग्राम पे जो इनकी वीडियोस देखी थी ना, उसके अंदर तो ना ये बहुत ज़्यादा भर भर के प्लेट में डाल के देते हैं, बट एक्चुअल में ना बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी है यार। बाकी टेस्ट में बहुत अच्छा है, टेस्ट में मैं कह सकता हूँ कि टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है। अगर हम खाली टेस्ट की बात करें ना तो टेस्ट एक नंबर है, मस्ट ट्राई वाली चीज़ है। बाकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू वीडियोज़ में जो दिखाते हैं ना इंस्टाग्राम की, वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा दिखाते हैं, बट यहाँ पे बहुत थोड़ी क्वांटिटी है, बट ओवरऑल टेस्ट बढ़िया है, सो रिकमेंडेड।
हाँ जी। सो यार सुबह से ना खा खा के मेरा तो वैसे ना पेट सच्ची बताऊँ फट ही गया है। मैंने तो सोचा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें ना इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा, बट वो सारी चीज़ें कवर करने से पहले ही ना पेट मेरा फट गया है। और अभी ना मैं इस टाइम पे आ गया हूँ, आ गया हीरा, छा गया हीरा पनीर वाला। तो ये बेसिकली अमृतसर के अंदर ना बहुत ही फेमस है। सो चलते हैं, देखते हैं पाजी के पास कि हमारे को ना पाजी क्या खिलाएंगे, क्या फेमस अपने को मिलेगा। जो मेरा भराग होगा होगा बाबा क्या की खोओगे वधिया जा। जो मेरा भराग होगा नहीं तुसी की खोओगे। तनु घुमाने पहले चड्डे तराओगे। लियाओ रूह खाओ फिर। ए हैगी साडे हीरे दी रूह। लियाओ जी लो भाई, बहुत गरम गरम बेसिकली पनीर का पकौड़ा है, इसको पाजी कहते हैं रूह। रूह क्यों कहते हो यार इनू तुसी? ए दिखाओगे भूखा लग जाना तनु। अबे पता लग जाना। ओए होए होए सच्ची बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। हाँ जी, जिस थाली के लिए हम इतनी दूर से चलकर लॉरेंस रोड अमृतसर वाली जगह पर आए हैं ना, वो ये थाली है। और थाली आ चुकी है पनीर की भुर्जी, साथ में ना अपने को ये ब्रेड मिली है। ब्रेड के ऊपर भी भैया पनीर लगाया हुआ है बहुत बढ़िया वाले तरीके से। गरम गरम पनीर की भुर्जी के अंदर खूब सारा बटर है, प्याज है, टमाटर है और भी काफ़ी सारी मेरे को ना वेजिटेबल्स दिख रही हैं। और साथ में ना ये मिंट वाली चटनी है। और प्रेजेंटेशन भाई साहब बहुत ज़्यादा वाली बढ़िया है। अगर मैं ये पूरी प्लेट खा लेता हूँ ना तो इसके बाद मैं और कुछ खा ही नहीं पाऊँगा, ये देखने में ही इतनी हैवी है। बाकी इसको ट्राई करते हैं, ट्राई करके आपको बताता हूँ कि ये कैसी है। इसकी जो इतनी इंस्टाग्राम पे हाइप बनी हुई है वो क्या सच्ची में सही है या गलत है? वैसे तो फूड की शक्ल को देख के पता लग रहा है कि इसकी इंस्टाग्राम पे जो हाइप बनी हुई है ना वो सही में सच्ची वाली है। बाकी इसके बाद ना आप यहाँ पे ना क्राउड जो बैठा हुआ है ना उसको भी एक बार देख के आप अंदाज़ा लगा ही लो कि ये जो सारा क्राउड बैठा हुआ है ना ये ऐसे ही नहीं बैठा हुआ। यही बेसिकली मेरी बात का आंसर मेरे को दे रहा है कि इस फूड की जो हाइप बनी हुई है ना वो जेन्युइन वाली है, सही वाली है। तो पनीर की भुर्जी को ट्राई करते हैं। वैसे तो मेरा पनीर बहुत ही फेवरेट है कि मैं इसको ना देख के रह ही नहीं पाता हूँ, जितना मिले उतना कम होता है, मैं सारा खा जाता हूँ। बट अभी ना मेरा पेट थोड़ा भरा हुआ है ना तो चेक करते हैं, बाकी इसको ट्राई करते हैं, बताता हूँ कैसा है। बहुत ही ज़्यादा स्वाद है, मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा स्वाद है। ऐसे वाले जो टेस्ट है ना वो अपने दिल्ली के अंदर ना बहुत ही कम मिलते हैं यहाँ, सीरियसली मज़ेदार। लॉरेंस रोड से घूमते घुमाते हम पहुंच गए हैं लाहौरी गेट पे, और ये है लाहौरी गेट। ये देखो ये लिखा हुआ है लाहौरी गेट। और यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल वाला जूस पीने के लिए। और साथ में ना जूस कुछ इस तरीके से अलग से मिलता है, और इसको हम इसके अंदर रिफिल करेंगे और आराम से पिएंगे। तो ये अपना ना गिलास रेडी हो चुका है और इसके अंदर ना काफ़ी सारे वाले इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। काजू है, बादाम है, किशमिश है, केला है, अनार है, अनानास है और बहुत सारी चीज़ों का अलग से जूस बना हुआ है। इस जूस को ना बेसिकली हम लोग पीते कम खाते ज़्यादा हैं, और जूस अपने को यहाँ से मिलता है। बाकी ये जो जूस है ना इस जूस को मैं भैया स्पेशली पीने काफ़ी दूर से यहाँ तक आया हूँ। इसको देख कर ही ना मेरा दिल खुश हो चुका है कि ऐसी वाली चीज़ें भी देखो अपने वहाँ पर नहीं मिलती हैं, और यहाँ पर आके इन सब चीज़ों के ना क्या ही मज़े हैं भाई, क्या ही मज़े हैं। देखने में ना कितना सही लग रहा है। तो अब हम इसको ना खाते हैं बेसिकली, पियेंगे तो कम खाएंगे ज़्यादा बेसिकली, है ना। पहला जूस पी के ना भाई सच्ची में तन तन हो गया है, मेरे पेट के अंदर ना अब इतनी भी जगह नहीं है कि मैं अब और कुछ जाके खा सकूं। सो इस वाली वीडियो को ना मैं देखता हूं कि अभी आगे और बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, बट पेट के अंदर तो भैया अभी बिल्कुल जगह नहीं है। वैसे मेरे माइंड में ना बस एक लास्ट जगह और बची हुई है, सो वहाँ तक ना मैं पैदल पैदल जाऊँगा। वो यहाँ से ना 2 किलोमीटर दूर है, तो 2 किलोमीटर वॉक करते करते ही वहाँ पर जाऊँगा, सो देट कि यार थोड़ा ना कुछ नीचे हो जाए। और अगर कुछ नीचे हो जाएगा ना तभी मैं उस चीज़ को ट्राई कर पाऊँगा, नहीं तो मैं भैया ख़त्म हूँ सच्ची में भाई। बहुत दूर से ना चलते 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 ना मैं फाइनली लास्ट वाली लोकेशन पर आ गया हूँ। ये अमृतसर वालों की फेवरेट फ्रूट क्रीम है, जिसको ये लोग रात को डिनर के बाद खाना पसंद करते हैं। और ये है फ्रूट क्रीम, 40 रुपीज़ का गिलास है। बाकी इसका टेस्ट कैसा होता है अभी आपको खा के बताता हूँ, ठीक है। प्योर क्रीम की फ्रूट क्रीम है, अंदर खूब सारा फ्रूट डला हुआ है, ऊपर से ये जेली डली हुई है। भाई जेली को देख कर ही ना मेरे को तो अपने बचपन का ना टाइम याद आ जाता है, क्योंकि बचपन में ना बहुत इस तरीके की ना चीज़ें खाई हैं। तो ये गई अपनी बाइट फ्रूट क्रीम की। आनंद ही आनंद है, मतलब इसके अंदर ना आनंद की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा आनंद है, बहुत ज़्यादा आनंद, एक नंबर।
सो ये सारी चीजें परफेक्ट से भी ऊपर है। सो आप जब भी अमृतसर आओ ना तो आके अपनी फैमिली के साथ इन सारी जगहों पर जाना, टेस्ट करना और मेरे को टैग करके बताना आपको मेरी रिकमेंडेशंस कैसी लगी। बाकी देखो इस वाली वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं और आई होप कि आपको हमारी आज वाली वीडियो के अंदर मजा आया होगा। मजा आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल एंड लव यू, बाय 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 बाय। बाकी मेरा पेट फट गया, अब मैं ना कुछ खाऊंगा नहीं आज रात को, चुपचाप सोने लगा हूँ बस। चलो बाय।